दोस्तों, आपने साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ शो सपने सुहाने लड़कपन के तो देखा ही होगा, जिसमें रचना और गुंजन की मस्ती भरी दोस्ती के साथ साथ दर्शकों को गुंजन और मयंक की जोड़ी भी काफी पसंद आ गई थी, जिसमें कभी दर्शकों ने इन दोनों के बीच ढेर सारा प्यार तो कभी ढेर सारी नोकझोंक देखी, जिसमें इन दोनों का ये रिश्ता दर्शकों को और भी ज्यादा पसंद आया था और यही वजह है कि इनकी ये जोड़ी दर्शकों की फेवरेट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल से 8 साल पहले फेमस हुई गुंजन और मयंक की जोड़ी वाले ये कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस जोड़ी के बारे में इन सभी बातों को, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस फेमस जोड़ी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन का किरदार पर्दे पर उतारने वाली मशहूर अदाकारा का असली नाम रूपल त्यागी है, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1989 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई सोफिया हाई स्कूल बेंगलुरु से कंप्लीट की थी। करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में कसम से सीरियल में एक छोटा सा रोल निभाकर की थी, जिससे इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने हमारी बेटियों का विवाह सीरियल में मनसा का किरदार निभाकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई और उसके बाद दिल मिल गए, एक नई छोटी सी जिंदगी और सपने सुहाने लड़कपन जैसे सीरियल में काम करके आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। करें शो में मयंक गर्ग का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता के बारे में, तो इस अभिनेता का असली नाम अंकित गेरा है, जिनका जन्म 1 सितंबर 1987 को नई दिल्ली में हुआ था और इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इन्होंने साल 2009 में सोनी टीवी पर प्रसारित हुए शो माही वे से की थी, जिसमें इन्होंने निखिल का किरदार अदा किया था, जो भले ही एक सहायक किरदार था पर इसके बावजूद इन्हें इस किरदार के साथ काफी ज्यादा सराहना और लोकप्रियता हासिल हुई, जिसके बाद इन्हें एक के बाद एक शोज के ऑफर आए, जिन्हें अपना कर इन्होंने कई पॉपुलर शोज में काम किया, जिनमें मन की आवाज, प्रतिज्ञा, सपने सुहाने लड़कपन के और अग्नि फेरा जैसे शोज शामिल हैं और इन्हीं शोज में काम करके आज अंकित गेरा काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2012 में सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में मयंक और गुंजन की जोड़ी में नजर आए ये दोनों कलाकार आज इन बीते सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। शुरुआत करते हैं अभिनेत्री रूपाली त्यागी से, जो आज बीते 8 सालों में काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। आज ये अभिनेत्री अपनी 31 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और जहां शो में ये गुंजन के किरदार में काफी ज्यादा मासूम नजर आई थी, तो वहीं आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आती हैं। खूबसूरती आज पहले के मुताबिक और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो आज अपनी हर एक तस्वीर के साथ काफी ज्यादा कहर ढाती नजर आती हैं। कि यूं तो रूपाली त्यागी ने काफी समय से अपने करियर को विराम दे रखा था, लेकिन कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने करियर में कमबैक किया है, जो जल्द ही रंजू की बेटियों नाम के सीरियल में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली हैं। इनके निजी जीवन की, तो यूं तो कुछ सालों पहले इन्होंने अपने को स्टार अंकित गेरा को डेट किया था, पर उनसे ब्रेकअप के बाद से ही रूपाली त्यागी अपनी लाइफ में सिंगल है और आज अपने करियर पर फोकस कर रही है। करें अभिनेता अंकित गेरा के आज के बारे में, तो आज ये अपनी 33 साल की उम्र पार कर चुके हैं और बात करें इनमें आए बदलावों की, तो अंकित गेरा आज भी पहले की तरह काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं, जहां शो में इन्हें फॉर्मल कपड़ों और क्लीन शेव के साथ काफी ज्यादा क्यूट और जेंटलमैन अवतार में देखा गया था, तो वहीं आज ये पहले के मुताबिक और भी ज्यादा स्टाइलिश हो चुके हैं, जिससे आज ये काफी ज्यादा डैशिंग नजर आते हैं, जिन्हें देख लड़कियां इनकी दीवानी हो जाती हैं। वहीं बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें आखिरी बार साल 2019 में आई सीरियल अग्नि फेरा में देखा गया था। इनके निजी जीवन के बारे में, तो अंकित गेरा वर्तमान में अभिनेत्री सारा खान के साथ लव अफेयर में हैं, जिनके साथ इनकी आए दिनों कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिनकी इन्हीं तस्वीरों से इन दोनों का प्यार साफ जाहिर होता है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों कलाकारों में से किसका बदला हुआ रूप सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।